तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ अंतिम समय तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के प्रत्येक प्रश्न का आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी समय तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का आएगा। दोस्तों सर्वप्रथम को क्या करना है, आपके हाथ में जैसे पेपर आता है इस जगह पर आपको रोल नंबर अंकित अपने कर लेने हैं और आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि टोटल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, टोटल प्रिंटेड पेज कितने होंगे और इस तरह से पूरा लिखा हुआ आएगा आपको वहाँ पर हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2021-22। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका विज्ञान विषय का पूरा प्रश्न पत्र है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं आपका पेपर कैसा होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अंतिम समय तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका जो पेपर होगा उसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि यहाँ पे आपको सर्वप्रथम दोस्तों सही विकल्प देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो पहला सही विकल्प दिया है ओजोन परत को छिद्र करने वाले कारक का नाम। दोस्तों ओजोन परत में जो छिद्र करने वाला कारक है वो हो जाएगा CO2। तो आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। अगला देखिए तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ओजोन परत में जो छिद्र करने वाला होता है वो एरोसोल होता है, आपको इसके ऊपर चिन्ह लगाना है। और अगला देखिए दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, तो आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है। अगला देखिए तो धारा मापी यंत्र है। दोस्तों धारा मापी यंत्र कौन सा है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमीटर है। अगला देखिए तो गोली दर्पण का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है, तो गोली दर्पण का जो सूत्र होता है दोस्तों वो ये वाला आ जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें। अगला आप देख सकते हो स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी कितनी है। दोस्तों पाँचवें का जो आंसर होगा वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, आपको बी पे चिन्ह लगा लेना है। और अगला आप देख सकते हो अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन किस में होता है ये आपको बताना है। दोस्तों छठा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ए वाला आ जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न के उत्तर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोशिका वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएँ होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी वाले पे आपको लगा लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये पूरे तैयार कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोस्तों सभी सही विकल्प अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो सही जोड़ी बनाइए। जी हाँ दोस्तों सही जोड़ी बनाने को यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो सही जोड़ी मिलान में अगर देखा जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो पूरा आपको क्या करना है। पहली सही जोड़ी दी गई है धमनी, तो दोस्तों इसकी सही जोड़ी मिलेगी शुद्ध रक्त से। धमनी में क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन का कहाँ से स्त्रावित होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी सही जोड़ी एप वाले से मिल जाएगी, अग्नाशय में स्त्रावित होता है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो वो पीयूष ग्रंथि है। काला तार क्या है दोस्तों ये आपको बताना है, चौथे की दोस्तों जी से मिल जाएगी। काला तार जो होता है उदासीन तार होता है। अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों, तो अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये है दोस्तों पोटेशियम, इसकी मिल जाएगी। और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है आपको बताना है, तो छठी की जो जोड़ी है वो सी नंबर से मिल जाएगी। और सातवें की अगर बात करें दोस्तों तो ये एच नंबर से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। और अगली बात करें दोस्तों जो बची हुई है तो इसकी जोड़ी द्रव्य धातु, तो इसकी पारे से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जोड़ी मिलान कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में अगर देखा जाए तो रिक्त स्थान ये इतने आपसे पूछे जाएंगे जिनकी संख्या दोस्तों 8 होने वाली है। तो रिक्त स्थान पूर्ति भी देख लेते हैं 1x1 करके। पहला रिक्त स्थान दिया गया में CO2 युक्त वायु बाहर निकाली जाती है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निःश्वसन। इसमें आप क्या लिख लोगे, निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। आप पूरा इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। अगला देखिए तो केंचुओं में श्वसन होता है, तो केंचुओं में त्वचीय श्वसन होता है। कैसा होता है, त्वचीय, केंचुओं में त्वचीय श्वसन होता है। अगला देखिए तो में एल्कोहल बनता है। तीसरा दिया गया है अनोक्सी श्वसन, तो इसमें आपको क्या लिख लेना है, अनोक्सी श्वसन में एल्कोहल बनता है, अनोक्सी
श्वसन में एल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं। प्रकाश के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप प्रतीत होता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो आ जाएगा प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण आप पूरा इसको लिख सकते हो। अगला देख सकते हो यहीं पे पांचवा दिया गया है, दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। तो दोस्तों पांचवे का आंसर होगा, तो इसमें आपको लिख लेना है दूरदृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जा सकता है। छठा देखें तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो छठा आपको बताना है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों इसमें आपको लिख लेना है CaCOL2, तो आप इसका लिख लीजिएगा CaCO, आप पूरा इसको इस प्रकार से लिखिएगा CaOCl2। तो इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। सातवें की अगर बात की जाए तो संतरे में अम्ल उपस्थित होता है, तो इसमें आपको लिख लेना है सिट्रिक, संतरे में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अगला देखिए दोस्तों आठवा, तो आठवें में आप देख सकते हो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिख लेना है, संयोजन आपको पूरा इसमें लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने अभी तक का यहाँ तक का नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे इस प्रकार से आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ध्वनिक किसे कहते हैं, ध्वनिक क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ध्वनिक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनार कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर तैयार कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, सोडियम को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। और अगला देखते हैं, आर्कियोप्लेटिक्स के जीवाश्म का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रियास वेगनेर ने। तो आप इसका पूरा आंसर लिख लीजिएगा एंड्रियास वेगनेर ने। अगला देखते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो आप इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था डार्विन। तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है ये आपको बताना है। तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो दोस्तों पांचवे का आंसर हो जाएगा अंडाशय में। अगला देखें तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो छठा हमने देख लिया था, अगला देखें नहीं ये पाँचवा था, पांचवे का उत्तर है मनुष्य में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, और मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो ये हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय। अगला देखिए तो प्रजनन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को, क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अगला देखिए तो मेंडलीफ ने कितने तत्वों का वर्गीकरण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 तत्वों का। तो दोस्तों आगे का जो आपका पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार का होने वाला होगा, अमलगम क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम लिखिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न इस प्रकार के होंगे, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आगे कुछ प्रश्न इस प्रकार के होंगे, तो आप सभी लोगों को इनको अच्छे से नोट कर लेना है जिससे कि आपकी तैयारियाँ दोस्तों अच्छी प्रकार से हो सके। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद करेंगे और अच्छे से इनको नोट कर लेंगे। आगे कुछ प्रश्न ये है, इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट करेंगे और बराबर इनको याद भी कर लेंगे। दोस्तों आपका जो पेपर होगा कुछ इस प्रकार का होने वाला होगा, जो कि मैंने आप सभी को पूरा बता दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।